एक दो तीन। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। कभी नहीं हुआ ऐसे कि कोई मैं ना आपको गले लगाना चाहूं। अरे मैं चाह रहा हूं कि मैं ना आपको थोड़ा सा ना और खुश करूं। अरे अंकल बोल, अरे ये नहीं कर। क्या अंकल कैसे हैं? अल्लाह का करम। ये टिश्यू बॉक्स बेच रहे हैं? जी साहब। गाड़ी के लिए तो चाहिए मुझे एक, कोई अच्छा सा डिजाइन दिखाए ना ताकि वो गाड़ी में थोड़ा रखूं तो। ये देख ले, ग्रेस वाला है। अच्छा ये देख ले, है तो सही है। ये शीशे के साथ। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा था, ऐसा दिखाए ना। ये कितने का है? ये सर 180 का। 180 का? जी वैसे 200 का बेचते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो 300-300 के लिए हैं गाड़ी के लिए। ये दिखाएं ये वाला? ये देख ले सर, ये भी अच्छा है। अच्छा ये इससे सस्ता है 10 रुपए। ये परफ्यूम वाला है। अच्छा अच्छा, बॉक्स तो आपके पास अच्छे पड़े हुए हैं। ऐसा करता हूँ कि 2 और ले लेता हूँ। इसमें से आपकी बचत क्या है? 20-20 रुपए तकरीबन बच जाते हैं। ये 4 मैंने आपसे डब्बे लिए, आपको सिर्फ 80 रुपए बचे हैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल। सर क्या करें, इससे ज्यादा मांगेंगे तो फिर कोई लेगा नहीं। वो बोलेंगे ये महंगे बेच रहे हैं, हम स्टोर से क्यों ना ले लें। तो दिन में आप कितने बेच लेते हैं कि एक अमाउंट बच जाए? कि आप जाहिर है बचेंगे तो घर चलाओगे ना, गुजारा चलेगा। सर कभी ऐसा होता है कभी 8 रुपए बिकते हैं, कभी 10 बिकते हैं। मतलब जैसे आपने 4 लिए, ये बहुत कम लोग लेते हैं। आजकल मॉडर्न दौर है ना, इसलिए गरीब की तरफ बहुत कम तवज्जो हो रही है। जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता। अरे सर क्या बातें करी, यकीन माने आपके साथ खड़े होके बातें करके इतनी हिम्मत मिल रही है ना। तो इसी खुशी में ना, कितने लिए हैं मैंने? 4 लिए हैं, तो 4 और ले लेता हूँ। आपको अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा, खुशी मिलेगी आपको? मैं खुश हो जाऊंगा। तो आपकी खुशी के लिए मेरे लिए 4 और निकाले। ये तो आप करें ना इनके ऊपर। अच्छा अच्छा, ये ऐसे करके रख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आज तो मेरी ईद हो गई है। आपके साथ साथ हमारी भी हो गई है। अरे आप डब्बे बिके, ये भी अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ है ये आपको? ये आपकी टांगों के साथ? ये पोलियो हो गया था टाइफाइड। अरे बस माजूरी को मजबूरी ना बनाए। माजूरी को मजबूरी नहीं बनाए बिल्कुल। अगर आप मांगेंगे तो इससे ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन उसमें बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। बच्चे इज्जत नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे बोलेंगे, बच्चों को भी फिर आगे बोलेंगे यार तुम्हारा बाप मांगता है। जाहिर है वो आपको देख के सीखेंगे। वो स्कूल में जाएंगे तो बच्चे उनको बोलेंगे यार क्या तुम्हारा बाप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। बच्चे बोल सकते हैं नहीं मेरा अबू मेहनत करते हैं, टिश्यू बेचते हैं, हमारे लिए लाते हैं, कमाते। बिल्कुल, आप तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो देख के परेशान हूँ। आप सब छोड़ें, आप मुझे बताएं कि ये सारे डब्बे कितने के होंगे और ये सारे डब्बे मैं आपसे अभी खरीदूंगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये देखें ना आप कैसे इस मुश्किल में सरवाइव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। आप बताएं ये डब्बे कितने के होंगे और मैं खरीदूंगा आपसे। खुशी होगी आपको? तो बिल्कुल होगी। अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि आज मुझे एक बेटा अच्छा मिला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे डब्बे ले। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे इतनी खुशी दे गया, दिल से दुआएं निकले। बस आप मेरे लिए दुआ करना हमेशा। इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे बेटा, आप इतना कुछ करेंगे तो मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा मुझे बताएं इनके क्या वो पैसे होंगे? अभी हिसाब लगा लेते हैं। अच्छा कैलकुलेटर मोबाइल, सही है। ये जहरी बात है, ये रखना पड़ता है ना, घर से कोई फोन आया। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो छोड़ देते हैं। ये बेटा बने 3230, लेकिन आप मुझे ना 3200 दे देना, 30 को भी छोड़ देना। क्या बात कर रहे हैं आप, हिसाब में तो इंसान को वो रहना चाहिए ना। बचत ये आपकी 20-30 रुपए बचत है। असल में मुझे ये खुशी है कि आप मेरे से सारे डब्बे ले रहे, तो मैंने इसलिए काम किए कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। कभी नहीं हुआ ऐसे कि कोई एक बंदा आए बोले यार मुझे सारे डब्बे दे दो, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना। बिल्कुल खुशी की बात है। तो और अंकल खुश हो गया कि 30 रुपए भी मुझे भूल गए।
ये छोड़ दूं मैं तो, मेरे इधर 400-500 तो मिल रहा है ना मुझे। मैं चाह रहा हूं कि मैं ना आपको थोड़ा सा ना और खुश करूं, आपके साथ जो एक बॉन्डिंग बन गई है ना, एक रिश्ता जो कहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपना मैं आपको और खुश करूं। ये आपने कितने बताए थे? 3200 बताए थे ना आपने। तो अंकल अगर 3200 को मैं डबल कर दूं, बोले ना अंकल कुछ। अरे अंकल बोल, अरे ये नहीं ये नहीं करें, देखें आपको देख के मुझे हिम्मत मिल गई। एक दो तीन चार पांच छ, 6500, ये पूरे 6500 हैं, ये आप रखें और कल फिर आएं, मेहनत करें, क्योंकि आपके बच्चों को आपके ऊपर बहुत फख्र होगा। मेरे पास तो आ गया 6-8 महीने का सामान, घर जाके गाड़ी में रखूंगा, घर में रखूंगा, मजे हो गए हैं। वैसे मेरा एक बात बोलूं? जी अंकल, हुक्म करें आप। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको रहमत का फरिश्ता बनाया। नहीं 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 नहीं, मैं फरिश्ता नहीं हूं। करता हूं कि अल्लाह पाक ने आपको भेजा और मेरी कुछ मुश्किल भी हल हो गई। आपकी मुश्किल हल हो गई जी, खुशी में आपको आप क्योंकि दिलों के राज वही जानते हैं, यकीन करें बच्चों को पता चलेगा वो बहुत खुश हो गया, वो आज जल्दी आ गए सारे डब्बे। अरे क्या बात है, क्या। मैं रोज रात को 10-11 बजे घर जाता हूँ, अभी मैं चला जाऊंगा, पूछेंगे ना अबू आज जल्दी आ गए, तो मैं बताऊंगा कि बेटा आज अल्लाह पाक ने एक आपके अंकल ऐसे भेजे। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल उसी ने भेजा है मुझे। मैं ना आपको गले लगाना चाहता हूं। अरे चले अंकल, अब तो हाथों में सामान बहुत हो गया, ना हाथ मिला सकता हूँ नहीं 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 सलूट नहीं, आप सर पे हाथ रख दे मेरे और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। गाइस, इन अंकल के साथ मिलके मुझे तो आज बहुत मोटिवेशन मिली है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल डम टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।